हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैंने नहाया नहीं है, तुम ये मत समझना, ठीक है। हम रनिंग करके आए हैं अभी, लवी और मैं, और छत में एक्सरसाइज कर रहे थे। आप देखो वहाँ पे मैट भी बिछा रखी है योगा योगा करने के लिए। जब आप एक्सरसाइज करके आते हो ना, आपका ग्लैमर बिना मेकअप के छलकता है। आप देख रहे हो, आप ये इतना आप फाउंडेशन पोत के ग्लैमर नहीं ला सकते हो जितना अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइज, अभी बज रहे हैं 6:15, लगभग 30-35 मिनट मेरे को छत में हो गया, और मैंने अभी तक सिर्फ 2 जोक क्रिएट किए हैं घूमते घूमते। बहुत टाइम लगता है यार जोक क्रिएट करने में। और लवी भी आई है, लवी भाई अपने आ चुके हैं फ्रेश फ्रेश होके। लब्बू ये भी आता है दोस्तों मेरे साथ। अरे भाई, हम पसीने से नहाते हैं। तूने तूने सुना नहीं वो जो जो पानी से नहाते हैं वो क्या था वो? जो पानी से नहाते हैं वो इतिहास बदलते वाला, लिबास बदलते। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। क्यों दोस्तों, है ना? ये सही था। और तूने क्या बदला? मैंने कथा बदला, नहीं बदला। मैंने तो भी लिबास ही बदला, लिबास में इतिहास बदल गया। ये तो है, ठीक है, लिबास बदल लिया कर। आजकल बारिश भी बहुत आती है, पानी भी आने लग गया है। लबी की सुबह सुबह एक ड्यूटी होती है कि मोटर का पानी ऊपर चढ़ाना और टैंकी को बीच बीच में चेक करते रहना, कहीं भर तो नहीं गई। तुम एक वो लगा लो यार इसमें, वो नहीं आता, पानी की टैंकी भर चुकी है, कृपया मोटर बंद करें। यहाँ देख रहा था मैं, किसी की आवाज आ रही थी सुबह सुबह, पानी की टैंकी भर चुकी है ना, सच में? नहीं तो ऐसा। अरे भाई, क्या बात, ये सायरन होता है यार। सायरन तो दिल्ली दिल्ली साइड को तो सब यही लगाए रहते हैं, यहाँ पर भी सुन रहा था मैं, किसी का था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब उसमें तेरे को बार बार छत में आने की जरूरत नहीं है। जैसी मतलब वो एक होता है ना, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगाते हैं, सेंसर होता है, जैसे उस लेवल पे टच करता होगा ना तो वो बोल देता है। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। तो रात एक बात जी सात दगड़ियों, और मी नया ढेबे रेडी है गई हूँ। अब बहुत से लोग कमेंट करा लिया, खाली बोंदा खाली नाक के टुक में पानी लगाते हो और हमको बोल देते हो नहा लिया। तो मैं उनको ये बोलने, देखो रे बंडी चेंज हो गई, मिल अद्दू बाव वाली बंडी पैरा की, अब बाउलेस हो गया हूँ मैं, और साइज भी जब्त ना होने, जब भी ताई जी आ रहे साढ़े मौसी जब तक नौना सुबह रहो, वो उस टाइम पे कुछ और काम कर ले रही है। ताई जी ने बिल्कुल आपको सही सही काम पकड़ रहा ना, शितिल शितिल वाला। मौसी तो आजकल किचन में रह जा रही है दोस्तों। तीन तीन टाइप का चाह बनाना है, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, दूध वाला चाह। बाप रे, कैसे कर दी है यार मौसी तू? सब मना करें, हमारा कहीं तो नहीं हो यार, सच्चे कोनी में भाई, हम ही कह दें भैया खाचा खाओ न तो जाओ। गुड मॉर्निंग ताऊ जी। गुड मॉर्निंग, अभी लग रहे हो तुम हीरो। और ताऊ जी जा रहे हैं हॉस्पिटल अभी ताई जी को लेके, भिंडी अखड़ने के लिए लगा रखी है। शहर में कटू टेक्निक होनी ना दगड़ियों, ये देखो आप टॉट पड़ी हुई, पर आज में ऐसी भिंडी अखड़ाते हैं, हमारे वहाँ ऐसे तो भीड़ में डर जाए। लेकिन हमारे वहाँ भीड़ भी छलनी का काम करते, क्योंकि तू उद्धार मार होनी वहाँ पटकड़ में, देख रहे हो आप पाथर के बीच में गैप होता है तो वहां से पानी रिस जाता है। ओहो, गुड मॉर्निंग हर्षित, मैं क्या देख रहा हूँ, 7 बजे कैसे उठ गया तू? क्या बात है, 1 घंटा लेट हो गया ना, 6 बजे तक उठ गया। लेकिन तू अभी भी नया धोया लग रहा है, पता है ये क्या है यार, इतनी स्मार्टनेस का राज क्या है? हम संगत का सर। चल ठीक है भाई हर्षित, आप उठ ही गया तो पोछा वोछा मार लो। गुड मॉर्निंग मौसू, आज का कोई गुड मॉर्निंग थॉट बता दो मौसा जी हमारे दर्शकों को। इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। डाई मतलब? मतलब अगर तुम कोई ऐसा काम नहीं खोजते हो या ऐसा काम नहीं कर रहे हो कि जिसमें तुम्हें सोते हुए भी इनकम आ रही है, अगर ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो तो तुमको मरने तक काम करना पड़ेगा। ओके, ग्रेट थॉट, ग्रेट थॉट। तो दोस्तों, क्या आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको मरने के मतलब जिससे आपको सोते समय भी इनकम आए, या दिन में उठते हुए इनकम नहीं आ रही है, सोते समय तो बात की बात है। देखो दगड़ियों, खुकरी, वाह शराब वाली खुकरी, क्या बात है। वैसे सही है ना, ये खुकरी किसी के पेट में जाएगी तो वो मरेगा नहीं, नशे में चूर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बैठक रूम कम किसी का संग्रहालय ज्यादा लगता है। यहाँ आजकल लैपटॉप ही लैपटॉप हो रखे हैं दोस्तों, 4 लैपटॉप। ये देखो आप, 1, 2, 3, 4 स्पीकर, बाप रे, सुधर दिल्ली नेहरू मार्केट लागण है। मेकअप ही तो हुआ है, तेको कहाँ कहाँ बाहर जाना है, अंदर ही तो रहना है। उसके बाद मेकअप की नहीं होती पवन, बाद आपकी स्किन को हाइड्रेट करने की, साफ करने की, जो बाहर पोर्स, ये जो बाहर धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या चिपक जाता है बाहर, तो हम जान ही रहे। तुम्हारा तो क्या है, तुम्हारी यहाँ तक दाढ़ी, ये मूछ, बाल यहाँ तक, तुम्हें तो कुछ धूल मिट्टी आती नहीं। तू भी रेजर लगा ले थोड़ा, दाढ़ी आ जाएगी। बाली नहीं है ना। रेजर लगा ले, रेजर लगाने से दाढ़ी आ जाती। क्यों दगड़ियों, कहते नहीं थे बचपन में जब हमारी दाढ़ी नहीं आती तो रेजर लगा ले दाढ़ी आ जाएगी? वाह वाह वाह, कल्पना का दोस्तों नया लुक देखो कैसी लग रही है। ये हेयर बैंड में तू पता है कैसी लग रही है, वो स्नैपचैट में वो फिल्टर वाला बिरा हुआ आता है, सेम ऐसी लग रही है। आईजी आ गई है हॉस्पिटल से, कराया टेस्ट कराया की? निकलो
अरे नर्स अभी है यहां ही। अच्छा एमआरआई कराना है। एमआरआई तो आपकी कोना पर इलाज कराना पड़ रहा है। दवाई ठीक है चल कोना दवाई दे रहे हैं। ए मैंने दवाई दे रहे भले जाला यहां पूछ गया था भले जाला ठीक है ना पण चलो ठीक है। और लवी भी कहीं गया था। लवी तू कहां गया था रे वसूली वाल। इसमें बन रही है झोली, इसमें बन रही है टक्की। मैं गेस कर रहा हूँ, ये तो पता है मुझे टक्की बन रही, पर इसमें क्या बन रहा है पता नहीं। झोली बन रही होगी अगर कढ़ाई में बन रही है तो। है ना खाना जेठानी जी क्या चढ़ा है? सब चीज बना रखने भाई। मैं थोड़ा चाय बनाती हूँ। दिन में 12 बजे चाह कहाँ पिला तू? कभी सुनाई खुरु खुरु बनाओ मिलो मिल देखने में कहीं वाली पत्ते नहीं चलो ना 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 तुम पी तुम पी लबी दरवाजा बंद कर दे मैं तो कह रहा हूँ यो छन दगड़ियो पिनाऊ पात पिनालू क्या पात। ये कुकैल कुकैल होता है दोस्तों। कुकैल एक ऐसी फीलिंग है दोस्तों जिसको हम ऐसे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। कुकैल मतलब कुकैल होता है यहाँ पे ऐसे खचखच 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 टाइप की होती है इस टाइप का होता है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ बट जब तुमको कुकैल लगेगी तभी आप समझोगे कि कुकैल होता क्या है। कुकैल इज ठेठ पहाड़ी वर्ड है ना। तो कुकैल क्या क्या खाने से लगती है? एक तो पिनालू खाने से लगती है। गडेरी की सब्जी अच्छी नहीं बनी तो वो भी कुकैल ही होती है। क्यों मौसा जी ताऊ जी? हाँ हाँ वही होती है। कुकैल ऐसा वर्ड है जो गूगल में भी नहीं मिल सकता। कुकैल का सही ढंग से पता लगवाना है ये क्या है तो किसी बच्चे को खिलाओ 5-7 साल के। न तो वो हंसेगा न रोएगा वो कुछ अलग ही करेगा अलग ही करेगा। यो जो पाचन यो पात दगड़ियो जैसी हम पहली बार गुआव जाते हैं ठीक है ना। तो वहाँ पे ऐसे थर्मस बोतल वगैरह नहीं होती थी तो ग्वाला में अगर पानी प्यास लगती थी तो इसी में लेके आते थे दूर धारे से पानी या गाड़ से पानी अपने दोस्तों के लिए ऊपर चढ़ाई में। ये कली टाइप की फूटी है ये देखो आप ये इसमें पत्ता लपेटा हुआ है ऐसे करके ये इसको बोलते हैं गाब। पिनाऊ गाबनो शाह कुनी ना टपकी भी बनता है इसका बहुत बढ़िया टेस्टी झोली के साथ ये होता है दोस्तों। और ये जो देखिए आप सॉफ्ट सॉफ्ट है मुलायम मुलायम इनको बोलते हैं नौ पिनाऊ नौ। तो पिनाऊ नौ होना मतलब साग हूँ ये ओग देते हैं हमारे पहाड़ों में। इसमें मूली और शिमला मिर्च मिला के बहुत ही टेस्टी होता है। हाँ और जिसने अगर खाई है बचपन में तो याद कर लो अभी टेस्ट के। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पहाड़ों में एक हमारे पहाड़ों में दोस्तों एक ओग देने की प्रथा भी होती है ओ लगिया बोलते हैं। उसमें क्या होती है जेठ मोजो मतलब अपने से बड़ी जो परिवार होता है जैसे ताऊ जी का परिवार जैसे मौसा जी हैं वो इनको ओग देंगे। तो ओग में पहले से यही दिया जाता था पिनालू के पत्ते में ऐसे नौ गाब मिर्ची जो भी साग सब्जी हुई है उस टाइम पे ऐसी हुआ जैसे आजकल गिफ्ट देते हैं तो उसमें ये दिया जाता था। ये है जखिया का पौधा। जखिया का नमक भी होता है मसाले का काम करता है दोस्तों। जखिया तड़का वड़का मारने के काम आता है। ये जमी रुक जा ये नहीं ये मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा। ये जमी रुक जा मेरे को बैलेंस भी आता है। चल अब रैंप वॉक कर इसको चल के। हाँ सर पहाड़ों में डलिया लेके चल देते हैं ऐसे दोनों साथ फूटते तू भी और कद्दू भी। तेरे को पता है हमारे पहाड़ों में औरतें ना ऐसे दोस्तों होता ही नहीं होता है ऐसे डलिया रखती हैं सर में और हाथ भी टच नहीं करती है भाई। ऐसे चलती रहती हैं और साथ में कौज भौज भी करती रहती है। तेरे कान में डबल झुमका ईटन में मायल ठुमका अरे काली जींस में तेरी लाल बनिया ना तेरे फसाना देख बे बूढ़ा भे गया ना जवाना। बस बहुत हुआ आज के लिए तेरा कंटेंट। अरे बारिश भी होने लगी। ये जमी रुक जा पानी क्यों पी रही है? ब्रो थर्स्टी हाइड्रेटेड। ये तो खतरनाक बोलती है एक बार बोल ना ये पानी क्यों पी रही है तू? कीपिंग माइसेल्फ हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड। ताई जी साहब उन्हें किचन में यो एक बाजी को साहब उन्हें हाँ अरे पीने पुआ जैसे मैं घर में आमा को भड़काता था ना वैसे यहाँ इनको भड़काता हूँ ना। दूध गाय पे जीते ओ लवी तो पूरा डेगी ले आया दूध का। गुड लवी गुड शाबाश। ओ मौसी ने वापस कर दिया वहीं से छोटा गिलास ले आई मौसी। ये क्या था ना दराड़ी जेठानी वाला मजा आ गया। तेरे को तू पूरा डेग ला रहा था मौसी ने कैसा पलटाया तेरे को तकता है दर्द। सो गाइस दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हम लंच करेंगे और फिलहाल हमारी यहाँ पे मौसी मेंशन में मीटिंग बैठी हुई है दोस्तों। हर्षित भाई अपने ताऊजी के साथ बैठे हैं। लवी उठ के चला गया। क्यों सर मारा बैठ जाओ उधर चल बैठ लोग देख बैठ है क्यूट बोल रहे तो भाव खाएगा है ब्यूटी पाई भी आया आज आने तुम दिए खाला
बाप रे, ये देखिए दोस्तों आज बन रही है मौसी मेंशन में। हाय 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 हाय, ये बन रही दोस्तों झोली, क्या बात है। चल तुम अड़ी बाटू बाट मी की जानो बुढ़िया बात, चल तुम अड़ी बाटू बाट मी की जानो बुढ़िया बात। बचपन में दोस्तों आपने कहानी सुनी होगी, और एक फ्राइबीन दो फ्राइबीन, दोस्तों मौसी के पास इतने फ्राइबीन है क्या बताऊं। एक फ्राइबीन तो ये है, एक फ्राइबीन ये है, और एक फ्राइबीन में भात बनाती है दोस्तों। डैडू पकड़ना नहीं आपको, पता क्या करना है मैं बता दूं क्या करना है। मेरे को नहीं, मैं बस सुनो तो सही, मेरे को अपने शरीर, अरे हां मेरी बात तो सुनो क्या करना है। भाई ले 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 मिश्री आज कम गिरेगा, चाय गिरेगी मिश्री आज कम कमी है। अरे तू भी बैठना यार, कटा कटा क्यों रहता है दुनिया से, बैठ ना बैठ, कोई टेंशन है तेरे को बता मेरे को, होता ही है यार ये उम्र ही ऐसी है, कोई टेंशन है तो बता मैं सॉल्व। अभी वीडियोस का इसमें ज़ूम करके वो आप, अभी मत बोल देना आप जा नहीं रहे हो, यही टेंशन है। मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है मैं ये वाला ले लेता हूँ, तू ये वाला ले ले, मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मिश्री का बंटवारा हो रहा है मौसा जी और मेरे बीच में, लास्ट मिश्री बची हुई है। मैं बात क्यों हूँ इधर पुणे में, मैं क्यों हूँ माता खान ले खत्म है। हेलो डार्लिंग, आओ। और ये मौसम हो रहा है ना चूमे आज छम 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 छम, आई लिए मौसम मौसम हाय सुहाना मगर मौसम, साला मौसम का पीली मार दिया मैंने। सवा पांच बज रहे होंगे, आई डोंट नो, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि मौसा जी इस समय क्या कर रहे होंगे, और वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं दोस्तों वेब सीरीज। नो, अब इन्होंने नई शुरू कर दी है, डायल 100 वेब सीरीज ही है शायद, वेब सीरीज नहीं है, नई पिक्चर है। बताओ यार, अच्छा मनोज वाजपेयी की, गुड। मनोज वाजपेयी और नीना गुप्ता, नीना गुप्ता इसमें भी, उसमें पंचायत देखी आपने, पंचायत वेब सीरीज देखना बहुत अच्छी है, तो उसमें भी है मौसा जी ने। भाई साहब कितनी वेब सीरीज देख दी, कितनी मूवी देख दी यार। मौसा जी आपको ये चस्का कहाँ से लगा मूवी और ये देखने का? ये लॉकडाउन से। लॉकडाउन से, गुड। और मौसी मम्मी से बात कर रही है दोस्तों, मम्मी की आवाज सुना दे। और सुना ठीक है, अच्छा अच्छा मम्मी नमस्कार। हाँ तू ठीक ठाक थी, यहाँ तो है ना मेरी नहीं तब है ना उड़ी मम्मी, जा अब कर बात। तो दोस्तों देख लो, अब तुम कह रहे हो घर क्यों नहीं जा रहा, घर घर वालों का तो ऐसा हाल है मेरा, देख रहे हो तुम ना उड़े बल यार, क्यों कर जाना ठहरा खाली अब जाट कमाने के लिए। लेकिन पवन जी रोना है, पवन गुणा अब स्टार बन गए, पहले जब बात की कैसे यार है, जबरदस्ती यहाँ पे मैं आप वहाँ जा रही हूँ समझो, और ब्लॉग देखा को दगड़ियो, कल परसों के ब्लॉग में एक बंदा कमेंट कर रहा था कि जब से तुम हल्द्वानी आए हो तब से तुमने घर वालों से बात ही नहीं करी। यार दोस्तों ऐसा है ना, 10-15 मिनट का ब्लॉग होता है तो उसमें सारी एक्टिविटीज़ तो रिकॉर्ड हो नहीं सकती है ना, तो अभी मैंने कर दी, देखो अभी अचानक से फ़ोन आ गया था तो मैंने बात भी कर ली और आपको दिखा भी दिया है ना। तो गाइस शाम के 7:30 बज चुके हैं और हर्षित और लवी शॉपिंग करके आ गए हैं दोस्तों। तो दगड़ियो साग पात और राशन पानी का इंतजाम तो लवी हर्षित ने कर लिया शॉपिंग करके, बाकी हमारे पहनने का जो इंतजाम है कॉस्ट्यूम वगैरह वो मामा ने कर दिया दोस्तों। मैसना माम हो रहा पिठा में क्यों डबल लगूनी कोई फैलाल गिफ्ट दी हमारे माम हो हमको यहाँ पे आप देखिए कौन हर्षित, ये देखिए दोस्तों हमारे मामा ने हमको पिठा में कच्चे मंडी लगा रखी। वी आर द फर्स्ट वांजाज इन द हिस्ट्री जिनको पिठा में कच्चे मंडी लगे है दोस्तों। मेरे को ये अमूल माचो का लगा है, तेरे को कैसा लगा है? मेरे को मिला एक वीआईपी, देखो अजय देवगन लग गयो अमूल वीआईपी लड़का, यहाँ यो ये रनकर बिना कच्चा करूँ यो, ये कभी तुम इधर आओगे ना इसका पैदामा नीचे को खींच देना है। तो यहाँ पे कच्चे बंडी हमको मिले हुए हैं दोस्तों, आज हम बहुत खुश हैं, आज हम बहुत खुश हैं, ये कच्चे मिल गए, कच्चे मिल गए। उनको भी पता है ना भांजे वैसे तो बाहर बाहर से बड़े स्मार्ट बने हुए हैं, अंदर से इनकी गोलियां लगी हुई है, तो अंदर की बात समझते हैं दोस्तों, मामा समझते हैं, तो इसलिए दिए। थैंक यू सो मच मामा जी। तो अब हम चलते हैं नीचे, क्यों हर्षित घर में मिलते हैं, घर में मिलते हैं कच्चे पहन के। सो गाइस हम फाइनली मौसी मेंशन में पहुंच चुके हैं,
आज मजा आ गया दोस्तों। जिंदगी में सब कुछ है दोस्तों, दौलत है, शोहरत है, नाम है, फ्रेंड है, बंदी है, बस एक कच्चे बंदी नहीं थे, वो भी आज मिल गए दोस्तों, थैंक यू। तो ये देखिए पापा ये 95 नंबर मजा। स्कूल में फुटबॉल मैच की ट्रॉफी जीतने में इतनी खुशी नहीं होगी जितने कच्चे बंडी मिलने वाली है, है ना। तुम्हारी मेरी बंडियां एक जैसी हो रही हैं आजकल, तेरी 90 है, मेरी 95 है। तो भाई रात के 10:08 हो रहे हैं और मैं किचन में हूँ क्योंकि और जगह सब लाइटें बंद हो चुकी है। देखो लवी सो चुका है, सिर्फ हर्षित वाले कमरे की लाइट जल रही होगी, है ना। टॉवल डाइजेस्ट हो चुके हैं, मैं अभी खाना वाना खा के दोस्तों ब्रश व्रश कर रहा हूँ, अब ब्लॉग एडिट करूंगा उसके बाद है। और मौसी यहाँ सबसे लास्ट में देखो ना, ये सुने भाई पूर्णा आई में, ये अब सब कोई नहीं, अब सब सो गए, अब ये डेट को सुनाई यो चाहे। तो बाकी तो क्या है, बाकी तो भी यार ऐसी है, तुम भी आराम आराम करो ठीक है, मैं भी ब्रुश ब्रुश करता हूँ और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आपको मेरे को जरूर बता देना, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ दो, मैं ब्रश करने को तैयार हूँ। बहुत जल्दी अगले ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपने ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बेहतर रहिए, मजे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकता, खाली थोका छिड़ा। तो बहुत जल्दी मेरे ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपने ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बेहतर रहिए, मजे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।